सुशांत सरीन जी, उनका कहना है कि कीचड़ में क्यों खींचा जा रहा है उपराष्ट्रपति को, मजबूर क्यों किया जा रहा है, ऐसे सवाल को, सारे सवाल बेबुनियाद है। देखिए कुछ तो बेबुनियाद हैं, और ये यहां पर मैं सपल साहब की बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। पहले तो ये नुसरत मिर्जा एक जोकर आदमी है, पता नहीं इसको क्यों बुलाया। अगर जूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी जैसे सपल साहब कह रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन से जूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, तो जूरिस्ट की कॉन्फ्रेंस में इस तरीके के अहमक इंसान को बुलाने का क्या औचित्य था, मुझे तो समझ नहीं आया। तो किसने न्योता दिया, क्यों न्योता दिया, इस पर आप जरूर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है देश का, वो अपने तई किसी को न्योता नहीं देता किसी सेमिनार में आने का। उनको खुद न्योता आया होगा कि आप आके कीनोट एड्रेस करें, और अंसारी साहब ने शायद वहां पर जाके दिया होगा। वहां पर जब अक्सर होता है इस तरीके के सेमिनार्स में कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये नुसरत मिर्जा भी जाके मिल गए होंगे, और नुसरत मिर्जा किसी और को मिले नहीं होंगे और सिर्फ अंसारी साहब के एक समारोह में गए होंगे, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जब अंसारी साहब उस समय उपराष्ट्रपति थे। वो ये भी कह सकते थे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे। तो मैं उस पर तो कोई बहुत ज्यादा मेरा फोकस नहीं है। ये जरूर है कि अंसारी साहब का वो जो दो तीन समारोह में अटेंडेंस थी, उसने जरूर उनके ऊपर एक सवालिया निशान जरूर उठाया। खास तौर पर एक जो PFI लिंक्ड एक जो ऑर्गेनाइजेशन का सेमिनार जो सपल साहब भी अभी बात कर रहे थे, वो लिंक्ड है PFI के साथ, और इसमें कोई किसी को दो राय नहीं हो सकती। और दूसरा वो जो IAMC जो एक ISI का फ्रंट है और भारत के खिलाफ अमेरिका में प्रोपोगेंडा करता है, नाम तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का है लेकिन सारा का सारा जो जहर वो उगलते हैं, और उसमें ISI की फंडिंग भी है, तमाम चीजें हैं, तो उनके साथ एसोसिएट करना वैसा ही है कि गुलाम नबी फाई जो यहां से बहुत सारे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करवाता था। तो मेरे ख्याल उस चीज से अंसारी साहब को थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। तीसरी बात ये कि ये कहना कि ये नुसरत मिर्जा टाइप का जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट भी जिस तरीके का है, अगर आप कभी पढ़ लें कि क्या लिखता है तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगी, लेकिन इस तरीके का आदमी यहां से कोई गोपनीय सूचना लेके गया, भाई कोई बताए तो सही ये कौन से लोगों से मिला जो इसके पास इतनी कोई गोपनीय सूचना आ गई। हाँ जरूर अंजना, ये हो सकता है कि गॉसिप लेके गया हो, यहां पर जो छोटी मोटी चिट चैट होती है, जो खानाफूसी होती है, कुछ वो अक्सर होती है यहां पर आपके टेलीविजन चैनल्स में भी उनका बयान होता है, या इशारे किनारे में बात होती है, और गॉसिप वगैरह अगर लेके गए हैं वो एक बात है, दूसरा अपना इंप्रेशन अगर लेकर के गए हैं वो दूसरी बात है, लेकिन ये कहना कि वो कोई गोपनीय इंफॉर्मेशन लेके गए थे, ऐसी तो कोई मेरे ख्याल पॉसिबिलिटी नहीं थी। तीसरी और लास्ट चीज जो मैं बात करना चाह रहा हूं, वो जो सूद साहब ने बात की, अब देखिए आप एक बात करते हैं कि कुछ लोग अरेस्ट हुए ईरान में, हुए होंगे जरूर हुए होंगे, और फिर सूद साहब ये कहते हैं कि कहा जाता है कि यहाँ तो अंसारी सूद साहब ने साहब वो को भी इंफॉर्मेशन दी। दिखाई ना, मुझे क्यों मेरे दिखा ख्याल दिस रहे इज अ वेरी ग्रेव चार्ज, ये बहुत एक सूद साहब जवाब ही दे सीरियस रहे हैं। चार्ज लगा रहे हैं सूद साहब, और अगर इसका प्रमाण नहीं है तो ये कहना कि किसी ने कहा या लोग कहते हैं, मेरे ख्याल उस पर मैं तो विश्वास नहीं करूंगा। और उसके साथ साथ एक जुड़ी हुई बात जो आपको समझनी चाहिए कि देखिए किसी भी विदेशी देश किसी भी विदेश में जो आपका दूतावास होता है उसमें जरूर आपके खुफिया तंत्र के लोग भी पोस्टेड होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, और ये एक केयर ली जाती है कि जो आपके राजदूत हैं वो उस किसी भी एक्टिविटी में मुलव्विस ना हो जिसमें आपके खुफिया तंत्र के लोग मुलव्विस हैं, और वो एक डिस्टेंस एस्टैब्लिश करके रखते हैं, और उसमें वो चाहते भी नहीं है कि हमारे को पता भी लगे कि क्या हो रहा है। ये मान लेना कि अंसारी साहब के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी और वो उन्होंने ईरानियों को दी, मेरे लिए एक बहुत गंभीर आरोप है। अगर इसका प्रमाण है तो अंसारी साहब को आप जरूर फांसी पे लटकाइए, लेकिन अगर इसका प्रमाण नहीं है तो ठीक है, फिर उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना मेरे ठीक है। ख्याल उनके साथ आप नाइंसाफी दोनों है। आप जवाब एक दीजिए फाइनल बारी चीज बारी से, दोनों अंजना, बारी बारी से एक जवाब दीजिए। फाइनल पहले चीज, पहले शहजाद जी देंगे, फिर सूद साहब, क्योंकि सुशांत जी ने बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए। देखिए सबसे आप लोग ये जो पहले गोपनीय दे दी, कौन सी गोपनीय जानकारी दे दी, क्या हो गया, जो आप लिंक बता देखिए रहे थे शुरू में, क्या अंजना उस जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए क्योंकि कई सारे सवाल मेरी भी तरफ आए हैं। देखिए इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक है कानूनी
एलिमेंट जांच का एलिमेंट, एक है नैतिक एलिमेंट। हाँ। मैं पहले नैतिक एलिमेंट पे डील कर रहा हूं क्योंकि नैतिक सवाल भी बहुत व्यापक होते हैं, और वो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा पीएफआई का इवेंट नहीं था, ये हिंदू की रिपोर्ट है कि पीएफआई के इवेंट पे गए थे, हिंदू रॉन्ग है तो हिंदू को सू कर देते। इसके अलावा आईएमसी जो कि आईएसआई का फ्रंट है, ये तो हम बात मानते हैं, उनका पूरा लिस्ट देख लीजिए किससे वो कनेक्टेड है, उनके मंच पर गए थे, ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, मैं आपको हिंदुस्तान की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, क्या हिंदुस्तान ने गलत छापा है, क्या आईएमसी जो आईएसआई स्पॉन्सर्ड है, ये तो आपके चैनल पर भी चला था, आपकी भी रिपोर्ट होगी इसमें। फिर हामिद अंसारी बैक शरिया कोर्ट प्रपोजल, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापा है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी गलत है क्या? आप मुझे बताइए कि इंडियंस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन नॉट पाकिस्तान, ये तो इंडिया टुडे नहीं छापा है, ये गलत बयान भी गलत है क्या? और मुझे आखिरी बताइए ये कश्मीर के बाद तो मैंने एक भी बता दिया सर, नैतिक सब तो मैंने पढ़ के बता दिया, अंजना जी मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको सारा सारी अंसारी फाइल आज खुल रही है, आप सुन लीजिए, पहले अंसारी फाइल खोलने तो दीजिए एक एक करके। पहले मुझे बताएं हमारे बड़े भाई जो ओएसडी के रूप में भी बात रख रहे हैं, ओएसडी टू मिस्टर हामिद अंसारी ये बताएं कि क्या शरिया कोर्ट को बैक करना ये नैतिक पटल पर स्वीकार्य है इनके लिए, क्या इन्होंने जो पीएफआई के मंच पर जाकर उनको एक लेजिटिमेसी दी क्या स्वीकार्य है, जो आईएमसी और जो आईएसआई बैक मंच है उस पर जाकर भारत की बदनामी की उपराष्ट्रपति होने के बाद क्या ये स्वीकार्य है। देखिए उन्होंने शराफत की बात की, अगर मेरे से एक सेकंड 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड 10 सेकंड हाँ आ रहा है सवाल आप ही की तरफ आ रहा है, आधी डिबेट का टाइम तो इसी में निकल जा रहा है कि मुझसे जवाब लीजिएगा, मैंने कब आपसे जवाब नहीं लिया, क्यों ऐसे बुली कर रहे हैं सर, कुछ किया धरा है आपने, सारा कुछ किया धरा है, आप ही से जवाब लेना है और किसी से जवाब नहीं लिया जाएगा, जवाब आप ही से लिया जाएगा। देखिए एक 10 सेकंड में केवल कहना चाहता हूँ अंजना जी, 10 सेकंड में अपनी बात को समराइज कर रहा हूँ, अरे गुरदीप जी मैं समराइज कर रहा हूँ क्यों इतने, अरे भाई आज तो पता नहीं आप कांग्रेस के प्रवक्ता है कि आप आज केवल, देखिए अगर आज मेरे बड़े भाई अगर सुधांशु जी इस डिबेट में होते, क्योंकि शराफत का जिक्र किया है, तो सुधांशु जी जरूर यह कहते कि हम भी चाहते थे शराफत से जीना, कमबख्त सियासत मिल गई तो शराफत चली गई, हम तो यही कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति थे या जब आप हैं उस पौधे पर बैठे हैं तो पीएफआई के मंच पर जाना, आईएएमसी के मंच पर जाना, शरिया कोर्ट की वकालत करना, बार बार भारत की बदनामी करना और इस प्रकार के एक पैनल बनाना जिसमें यासीन मलिक था जो कश्मीर के ऊपर डायलॉग करेगा और इंटरनेशनलाइज उसको करेगा, ये सारी चीजों पर आज गुरदीप सवाल एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, केवल एक बात को पकड़ के अरे इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो। गुरदीप जी मैंने आपको 4 स्पेसिफिक सवाल पूछे, उसका पहले आप जवाब दीजिए। ठीक है गुरदीप साहब, बात करते हैं ना, वो प्रोग्राम एचएसएस का था, अंसारी जी को हिंदू सर्विस सोसाइटी शायद उसका फुल नेम है, उसने इनवाइट किया। अंसारी जी को कल दाऊद इब्राहिम बुलाएंगे या कोई भी बुलाएंगे चले जाएंगे क्या? झोला उठा के ऐसे थोड़ी होता है भाई। शहजाद जी अब वो बोल रहे हैं। तुमने सवाल पूछे, कोई भी बुलाएगा चले जाएंगे? नहीं नहीं आप सवाल पूछिए ना, ये सवालों की छड़ी लगा के जो नया स्टाइल किया है उसको बंद कीजिए, जवाब लीजिए मेरे से और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। दूसरी बात, पीएफआई के प्रोग्राम में तो वो गए नहीं थे, इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं तो हिंदू हिंदू अखबार को सू कर दीजिए, आप बोलिए हिंदू अखबार को सू कर रहे हैं, हिंदू अखबार को सू कर रहे हैं बोलिए आप। लेकिन मुझे ये जवाब दीजिए, इस देश को 8 साल हो गए, शरिया कोर्ट की वकालत की, भारत को पार्टीशन के लिए जिम्मेदार पाया, इसके ऊपर क्या स्टैंड है आपका? आईएमसी के मंच पे गए, क्या स्टैंड है आपका? एक सेकंड प्लीज शहजाद जी, स्टूडियो में ऑडियो भी नहीं नीचे कर सकते, प्लीज शहजाद जी प्लीज सवाल प्लीज नहीं दे, उनका जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर छोड़ के दूसरा क्वेश्चन पेपर का आंसर दे रहे, राहुल गांधी थोड़ी है सब। 4 सवाल पूछे शहजाद, 4 सवाल का जवाब लीजिए मेरे से, 4 सवाल पूछे तुमने। एक, पीएफआई के ऊपर मैंने जवाब दे दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज का प्रोग्राम था, पीएफआई पे आपने 8 साल से कोई बैन नहीं लगाया, यूपी के सीएम ने 2 साल पहले चिट्ठी भेजी है मोदी जी को, आज तक आपने बैन नहीं लगाया, देश को यह बताइए क्यों नहीं लगाया? तो आप पीएफआई के मंच पर जाएंगे और वहां पर देश विरोधी बातों को जस्टिफाई करेंगे? जायदाद शहजाद बातों घुमाइए मत, आईएएमसी पर आइए, आईएएमसी के प्रोग्राम में नहीं, एचएसएस के प्रोग्राम में गए थे, आईएएमसी वहां पे उसमें पार्टिसिपेट, एचएसएस किसकी संगठन है पूछ लीजिए आरएसएस वालों से। अच्छा। तीसरी बात जो उन्होंने बोला कि पार्टीशन में केवल मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी, आप बोला क्योंकि हिंदू महासभा भी जिम्मेदार थी, ये उन्होंने बोला, आप कहां से नेहरू और पटेल, उन्होंने तो कहा कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, नहीं नहीं उन्होंने तो इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल कहा, इंडियंस आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, आपका कॉपी है के पुलिंदे, आप झूठ मत बोलिए ना, मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा, नहीं नहीं इंडिया टुडे की कॉपी है मैम, इंडिया टुडे झूठ बोल रही है, ग्राफिक्स भी दिखा रहा हूं, उन्होंने बचाव किया था शहजाद, सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे यहाँ भी लोग थे, उसमें हिंदू महासभा भी थी, हम जानते मतलब जिन्हा को क्लीन चिट, यहाँ पे
अरे मतलब भाई कांग्रेस का प्रवक्ता आकर जिन्ना को क्लीन चिट दे रहा है ना शहजाद, आप देते हैं जिन्ना के साथ, आपकी पार्टी ने सरकार जिन्ना के कसीदे कौन गा रहा था हमने देखा है जी। अरे एक मिनट शहजाद, आपकी पार्टी की हिंदू महासभा थी उस समय, वो सरकार में थी जिन्ना की पार्टी के साथ। नहीं आपके लिए जिन्ना जिम्मेदार है पार्टीशन के लिए कि उस समय के बाकी के लोग जिम्मेदार हैं बताइए। तो पूरी कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस पार्टी जब बाहर गई थी तो जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने चार राज्यों में सरकार बनाई थी आजादी के पहले। आप हमसे जिन्ना की बात करते हो।